यस, आज कॉलेज का पहला दिन है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ। बेटा टिफिन को लेके जा। थैंक यू माँ। चलता हूँ। रुक जा, मेरी बात तो सुन। हाय, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। कॉलेज जाएगा, लेक्चर बंक करेगा, उधारी पे दोस्तों के साथ चाय सुट्टा पिएगा, फिर घंटों पार्किंग में किसी और की गाड़ी पे बैठ के लड़कियों को दे देगा, फिर दो लड़कियों में कंफ्यूज हो जाएगा, पूरे साल इंस्टा पे घटिया रील्स बनाएगा, फिर इसका बैक आ जाएगा। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। बस माँ बस, अगर तुम ऐसे बातें करती रही तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मिस हो गया तो मैं इंस्टा पे लड़कियों को कैसे ढूंढ पाऊंगा, और उनको डीएम स्टॉक करने की वजह से उनके बॉयफ्रेंड से मार कैसे खाऊंगा। क्या बेटा जा, और हमारा नाम जरूर मिट्टी में मिलाना। और हाँ, एक बात, सिगरेट पीएगा तो छोटी गोल पी के हमारी नाक मत कटाना, कम से कम लाइट तो पी ही लेना। हाँ माँ, आज ही पीऊंगा, अब जाने दो। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हारा नाम मिट्टी में नहीं मिला पाया तो कम से कम ग्राउंड फ्लोर पे तो पक्का लेके आऊंगा। बाय बेटा। हाँ बोल भाई। क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ अब आ गई सर, पर सर आप दिख क्यों नहीं रहे हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। अब सब ठीक है। कमाल है, सर की आवाज और उनकी पर्सनालिटी मैच क्यों नहीं कर रही। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गेट रेडी फॉर अटेंडेंस। हार्दिक प्रेजेंट सर। राघव प्रेजेंट। रिंकू प्रेजेंट सर। सैंडी प्रेजेंट सर। सतीश प्रेजेंट। ए सतीश, ये तेरे कैमरे को क्या हुआ है, ठीक से साफ करो। सर वो ऑलरेडी साफ है सर, वो मेरा लैपटॉप पुराना है ना, सो उसके वेबकैम का क्वालिटी खराब है सर। तो एक्सटर्नल वेबकैम मिलता है, वो जाके लेके आओ। सर मैं गया था कल बाहर लेने, पर पुलिस ने उल्टा मेरी ले ली सर। हाँ ठीक है ठीक है। सो क्लास, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आज मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो समझ लो आप फेल हो गए। ये पूरा सेमिस्टर आपका इस पॉइंट पे डिपेंड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो आपको बस ये याद रखना है, इस पर ध्यान देना है, समझे। तो चलो शुरू करते। अरे अरे माँ, झाड़ू मारने के लिए फैन बंद करना था, वाईफाई नहीं। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर मैं फेल हो गया तो। अबे पढ़ के कौन सा कलेक्टर बनना है तूने, बाप के साथ दुकान पे बैठ के कच्चे ही तो बेचने। उठ के वाईफाई चालू कर ले। इन क्लासिकल मैकेनिक्स Newton's law of motion are three laws that describe the relationship between the motion of an object and the forces acting on it. Sandy, तुम अपना कैमरा ऑफ कर दो या फिर तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ। पर सर मैं तो आप ही को देख रहा हूं। ये देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। पर सर मैंने किया क्या है? ये क्लास के वक्त तुम कर क्या रहे हो? अच्छा ये सर, ये पेन नहीं चल रही थी तो इसलिए इसे घिस रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, साइड में रखो उसे। पर आप सभी भी सुन लो, मेरे क्लास के दरमियान कोई कुछ भी नहीं घिसेगा। हाथ 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 ऊपर, हाथ ऊपर।
और आप सभी अपने अपने हाथ अपने टेबल पर रखो। इन क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स एफ इज इक्वल टू के इंटू डी पी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू एम ए राइट वेयर एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी एंड के एक्सिलरेशन राइट देयर इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी इन चूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी। तो आज शैम्पू किया है तुमने? Who the hell are you? अरे यार अब हम एक क्लास में पढ़ते तो हम बेस्टीज हुए ना। What? Listen, stop bothering me, okay? Otherwise I'll complain about you. अरे sorry. वैसे तुम स्नैपचैट पे हो क्या? सर राघव मुझे मैसेज करके परेशान कर रहा है। राघव उठो आई मीन बैठो। बोलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलो। अरे यार सर ये तो एकदम सिंपल है। सो न्यूटन सो बेसिकली दैट इज दैट मोशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द सो दैट वॉज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या तुमने पूरा डेफिनेशन बोल दिया? हाँ सर ये सब तो मुझे बचपन से याद है। कमाल है अब मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या आप लोगों को सुनाई दिया? हाँ सर हमने सुना बिल्कुल सुना। हाँ सर सुना क्या मस्त हो रहा है ऐसा लगा खुद न्यूटन बोल रहा है। तो बच्चा लोग कल का चैप्टर आप क्लियर है तो जो होमवर्क दिया था वो मुझे ऑनलाइन सेंड करो। किसका आवाज सारे अपना शोर कम कीजिए। हाँ तुम क्या बोल रहा था? जुड़े रहे हमारे साथ अगले प्रोग्राम के लिए प्यार में धोखा सड़क पे ठोका। ये बच्चा लोग ये बहुत आवाज है अपना माइक ऑफ कीजिए। तुम्हें एक लिंक भेजी है वहाँ पे जाके अपना फीडबैक भरो। अगर अंडरवियर इतनी फट गई है तो नहीं ले लेना। और हाँ कल से तो खुद अपनी अंडरवियर धोएगा। अरे यार मम्मी यार मैं लेक्चर कर रहा हूँ ना यार तुम मिला। अरे मैंने कहा अपना माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो समझ में नहीं आ रहा है क्या? माइक ऑफ करो। नहीं पहले तुम फोटो भेजो मैं नहाने के बाद भेजूंगी। नॉटी यार दीदी अब दूसरे कमरे में जाकर बात करो ना। अरे हरामियो मैं तुम सबको फेल कर दूंगा याद रखना। अरे किसी का ध्यान नहीं है क्लास में। कमाल है यार सरा जैसा क्यों कर रहे हैं? शायद सर की तबीयत खराब होगी। मेरी तबीयत नहीं तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। शायद सर को जुलाब हो गए हैं। मेरी मौसी का लड़का है ना उसको जब जुलाब हुआ था वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं बता रहा हूँ सर का उनके वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है पक्का इसीलिए वो बौखला गए हैं। लगाओ सौ की बेट। अरे नहीं भाई ठीक से देख लगता है सर को माता आ गई है। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। कोई कोई चप्पल सुंघाओ यार। चप्पल से कुछ नहीं होगा गोबर चखाना पड़ेगा। गोबर तो मैं तुम्हें एग्जाम में दूंगा तब अच्छे से चाट लेना। इतना क्यों चिल्ला रहे हो क्या हुआ है? अरे देखो ना यहाँ पे मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। पहले अपना माइक ऑन है क्या वो देख बेवड़े। जब तेरी औकात ही 90 की है तो तू क्वार्टर क्यों पीता है बेवड़ा। मैंने कहा था ना सर को उनके वाइफ के साथ झगड़ा हुआ होगा। चलो निकलो मेरे ससुर। सालो तुम लोग मुझ पे बैट लगाते हो। अरे मैं क्या चीज हूँ तुम्हें पता है? अपने सीनियर से जाके पूछो मैं क्या चीज हूँ। मुझे पागल बना रहे हो कुत्तो। गोबर एग्जाम में गोबर जरूर मिलेगा। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स पुशिंग अ ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डज
100 joules of work. इजी तो है। क्यों भाई आ गया स्वाद। साले जब मैं फेल हो गया था मुझे बड़ा चिढ़ाता था तू नहीं हाँ कि मैं कॉलेज जाऊंगा कैंटीन में उधार के समोसे खाऊंगा। समोसे खाएगा तू हाँ? अब क्या हो गया आ रहा है स्वाद भाई। प्लीज भाई दिल से बुरा लगता है ऐसे मत बोल। अबे एक बात बता तुझे तेरे कॉलेज का एड्रेस पता है? अच्छा एड्रेस का तो छोड़ ही दे कॉलेज दिखता कैसे ये भी पता चला अभी तक। भाई छोड़ना यार। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुझे मेरी जान। तू तो बड़ा तैयार हो रहा था नहीं कॉलेज जाने के लिए हा? क्या ओरिजिनिटी लूज करने वाला था मेरा भाई। अब तो घर में बैठे बैठे सिर्फ लूज मोशन आओगे तुम्हारे बस। और क्या कि वॉशरूम में लिखने के लिए गंदे गंदे स्लोगन्स रेडी है भाई। अब वो स्लोगन्स ना खुद के रिपोर्ट कार्ड पे लिख देने का भाई क्या समझे। भाई तू मेरा भाई है ना मैं पास हो गया तू फेल हो गया तो क्या हुआ। आज भी हम दोनों भाई घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम्स ही तो खेल रहे हैं ना। भाई पुरानी बातों को भूल जा और मेरा झूला पकड़ के झूल जा। क्या बोला? झूला बोला भाई झूला और कुछ नहीं। अबे चल बे चुप रहे अब कुछ बोल ही मत तू। साले तब तो बड़ा उछल रहा था। क्या बोल रहा था? असाइनमेंट के बहाने लड़कियों से बातें करूंगा टीचर्स डे के बहाने ब्यूटीफुल टीचर्स को रोज दूंगा हैं लाइब्रेरी में बैठ के पिक्चरें देखूंगा क्लास में बेंच पे बैंड बजाऊंगा कैंटीन में बैठ के पढ़ने की एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग कर रहा है अभी मिल रहा है ऑस्कर मिल रहा है तेरे को हो रही है एक्टिंग घर पे बैठ के बोल बोल। अबे साले फेलियर निकल लो तेरी तो। वाह बेटा मौज कर दी। अरे यार कोई कॉल करके बोलो उसको। हाँ एक मिनट एक मिनट। अरे यार उसका कॉल भी बिजी आ रहा है। योर माइक इज ऑन राघव। राघव